उत्तराखंड की खबरों की, लेकिन उससे पहले आपको सीधा रोहतक की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर किसान कल्याण मिशन के शुभारंभ के मौके पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम पहुंचे। और बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम योगी ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया है। 825 विकास खंडों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, किसान कल्याण मिशन के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। अंतिम चरण में 219 ब्लॉकों में 21 जनवरी को ये कार्यक्रम होना है। 825 विकास खंडों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, बड़ी खबर आपको बता रही है। बड़ी और अहम जानकारी, सीएम योगी ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया है। जल शक्ति मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह जी का और कृषि मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वाति जी का तो खुद का क्षेत्र है, मगर फिर भी मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई वीरेंद्र तिवारी जी का हमारे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, उनका भी स्वागत। आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मंच पर आसीन है माननीय मंत्री महिला कल्याण एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार माननीय श्रीमती स्वाति सिंह जी, जिनकी प्रेरणा से आज यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनें और माताएं आई हैं और पूरी ऊर्जा के साथ भाग भी ले रही हैं। मैं माननीय श्रीमती स्वाति सिंह जी से अनुरोध करूंगी अपने उद्गार व्यक्त करें। इस मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे कृषि मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, हमारे जल शक्ति मंत्री जो अक्सर सरोजनी नगर में अपने शक्ति का प्रदर्शन करते रहते हैं, और मेरे बड़े भाई ऐसे आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हमारे मोहनलालगंज के माननीय सांसद आदरणीय कौशल किशोर जी, पीछे की दीर्घा में बैठे आदरणीय वीरेंद्र तिवारी जी, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री कृष्ण लोधी जी, मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी मंचासीन, सभी अधिकारीगण, सामने मेरे क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, अन्नदाता भी उपस्थित हैं किसान भाइयों के रूप में, और अन्नपूर्णा भी उपस्थित है मातृशक्ति के रूप में। मैं आप सबको, यहाँ पर मेरे पत्रकार बंधु भी उपस्थित हैं, मैं आप सबको इस मन से प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और आज आप इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। और ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है कि ये पहली बार नहीं है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी योजना की शुरुआत करने के लिए, किसी मिशन की शुरुआत करने के लिए सरोजनी नगर को चुना है। आपने कई बार चुना, बार बार चुना, और भविष्य में भी हम ये आशा करते हैं कि ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी योजनाओं की शुरुआत आप हमारे सरोजनी नगर क्षेत्र से करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश और इस क्षेत्र में, सरोजनी नगर के क्षेत्र में यहाँ आधी आबादी का प्रतिनिधित्व देख सकते हैं महाराज जी, कि जितने यहाँ पर मेरे भाई उपस्थित हैं, उतनी ही मेरी यहाँ पर बहनें भी उपस्थित हैं, और ये सारी बहनें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। मैं कुछ बातें यहाँ पर बताना चाहूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवरात्र से मिशन शक्ति की शुरुआत की, ताकि इस प्रदेश की एक एक बेटी और आधी आबादी को सशक्त बनाया जाए। और जो मेरा विभाग है बाल विकास पुष्टाहार, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उसमें जोड़ा, ताकि घर घर तक जो भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जो धात्री माताएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके घर तक राशन पहुंचाने का काम हम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से कर रहे हैं, ताकि गांव में घरों में भी बैठी हुई महिलाएं सशक्त हों, आर्थिक दृष्टि से सशक्त हों। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसानों तक हर योजनाएं वहां तक पहुंचे, उसके लिए आपने इस मिशन की शुरुआत की है। मैं याद दिलाना चाहूंगी 2017 में जब उत्तर प्रदेश की सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश की बागडोर को संभाला, पहले ही कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लघु और सीमांत किसानों की ऋण की माफी की। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि यहाँ पर 2014 से हम लोगों ने, पहले की सरकारों ने गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया था, अगर किसी ने किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, माननीय योगी जी ने किया। और ये मुझे लगता है अगर आप तालियां बजा देंगे तो मुख्यमंत्री जी को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश को कभी ऐसा मुख्यमंत्री मिला नहीं है जो महिलाओं की बात सबसे पहले करते हैं और इस क्षेत्र की विधायक
बहुत समय नहीं लूंगी क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है महाराज जी, लेकिन आपसे इसी मन से आग्रह करना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ लगभग 15 से 20 हजार स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं। अगर आप आदेश दीजिए तो मैं यहाँ पर 10 से 15 हजार महिलाओं का कार्यक्रम आपका इसी सरोजनी नगर क्षेत्र में कराऊंगी। और अंत में एक बात ये जरूर कहूंगी कि ये जो जिस प्रांगण में ये कार्यक्रम हो रहा है वो भी अगर योगी जी की सरकार नहीं होती तो शायद ये स्टेडियम कभी नहीं बन पाता, क्योंकि जिस मंशा से, जिस मन से माननीय मुख्यमंत्री जी काम करते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गलत भावना रखता हो लोगों के प्रति, जो गलत भावना रखता हो बहनों माताओं के प्रति, और जो गलत भावना रखता हो जमीन के प्रति, उसे यहाँ स्थापित नहीं होने दिया जाएगा। और आज उसी का नतीजा है कि इस जमीन पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर जगह लड़ने के बाद आपके आशीर्वाद से ये स्टेडियम का यहाँ पर निर्माण हो गया। अगर आप नहीं रहते तो ये काम कभी नहीं हो सकता था। आपने बहुत बड़े बड़े काम किए, इसके लिए मैं और मेरा पूरा सरोजनी नगर परिवार आपका ऋणी रहेगा। एक बात और कह दूं, यहाँ पर मेरे बूथ अध्यक्ष हैं, पप्पन है, वहां पर बड़ा नाराज हो रहे थे, कह रहे थे मैंने इतना इंतजाम कराया और मेरी एक नमस्कार भी नहीं हो पाएगी माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो अगर आप आदेश दें तो एक बार बस यहाँ सामने बुलाकर आपसे नमस्कार करवा दे। आइए पप्पन, यहाँ आगे आइए, यहाँ मेरे सभी प्रधान बैठे हुए हैं, मेरे मंडल अध्यक्ष बैठे हुए हैं, सब आपके ऋणी हैं। और महाराज जी ये भी बता दूं कि चुनाव के टाइम में सब हमारे मेरे साथ नहीं थे, लेकिन आपकी कार्यशैली से आज हर एक प्रधान आपके साथ खड़ा है, भाजपा के साथ खड़ा है, इस क्षेत्र की आधी आबादी आपके साथ खड़ी है, और आजीवन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम खड़े रहेंगे। बोलिए भारत माता की। अरे आधी आबादी की आवाज और तेज आनी चाहिए, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। किसान, कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियों की उन्नति के लिए ये महाअभियान चलाया जा रहा है, उसके कल्याण और विकास के लिए। जल कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग है, और किस तरह से निशुल्क सिंचाई व्यवस्था और जल के संसाधनों का उपयोग करके आप अपनी कृषि को उन्नत कर सकते हैं, सौभाग्य है हमारा माननीय जल शक्ति मंत्री जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारा मार्गदर्शन करें। आज का दिन किसानों के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है, और मैं समझता हूं कि आजादी तो मिली 15 अगस्त 1947 को, और उत्तर प्रदेश का गठन हुआ 24 जनवरी 1950 को, लेकिन वास्तविक आजादी है और किसानों के सपनों का उत्तर प्रदेश अगर किसी ने बनाने का शुभारंभ किया है तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। जोरदार तालियों के साथ एक बार अभिनंदन आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। किसानों के मसीहा हैं, हम सब लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने चतुर्दिक विकास का संकल्प उठाना है। ऐसे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और जिन्होंने रात और दिन किसानों के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं, हम सब लोगों के संरक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश, हमारी बहन आदरणीय स्वाति जी, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, यहाँ के सांसद आदरणीय कौशल किशोर जी, आदरणीय वीरेंद्र तिवारी जी, आदरणीय श्रीकांत लोधी जी, हमारे जिला अध्यक्ष मंचा सिंह, हमारे श्री नवनीश सहगल जी, श्री देवेश चतुर्वेदी जी, सभी अधिकारीगण, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों, मुझको ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मैं भी किसानों के लिए जहां जहां कृषि कार्य होता है वहां पानी कैसे पहुंचे इसकी व्यवस्था करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहा हूं। मुझको बताने का कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जो बरसों से लंबित परियोजनाएं हैं उन सब परियोजनाओं को पूर्ण करके उत्तर प्रदेश